ज्ञानतमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुताः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम्। आप सब भी प्रार्थना गा सकते मेरे साथ। साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमाओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधोभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। छह लोग ही मिसिंग है। That's a big thing, big achievement. तो हम कहाँ पहुँच गए हैं? बैठ जी, जल्दी बैठ जाइए। जब तक आप लोग सेटल नहीं होते मुझे कथा करने का मन नहीं लगेगा, ठीक है? तो बताइए कहाँ पे आए हम लोग? श्री श्री बरसाना धाम के। और खास करके ये जगह जहाँ हम लोग आए हैं, इस जगह का नाम है गह्वर वन। बोलो गह्वर वन नाम की। और जो कुंड आपको दिख रहा है, इस कुंड का नाम है श्री कृष्ण कुंड। हरि बोल श्री कृष्ण कुंड की। ऑफ कोर्स यहाँ पे कौन सी लीला हुई इसको श्रवण करने के पहले हम थोड़ा बरसाना धाम के बारे में बात करना चाहते हैं। पहली बात तो ये बरसाना धाम जो है, ये नाम बरसाना कैसे आया? ये राधा रानी के पिताजी का नाम क्या है? वृषभानु महाराज। तो उनके नाम से वृषभानुपुर बोल के इस जगह का नाम क्या था? क्या था? यस, वृषभानुपुर। तो वृषाना ऐसे करके इस धाम का नाम बना वर्षाना। Yes? तो ट्रेडिशनली ब्रज में जो है वह क्या बन जाता है? बन जाता है। तो क्या हो गया? वर्षाना क्या बन गया? बरसाना धाम के। बहुत देर काल पहले जो है ब्रह्मा विष्णु और महेश, जो श्री भगवान श्री कृष्ण के तीन गुण अवतार है, सत्वगुण के अधिपति कौन है? विष्णु। तमोगुण के शिवजी और रजोगुण के ब्रह्मा जी। वेरी गुड। तो इन तीनों की इच्छा हुई कि हमको भी जो है व्रज में वास करना है। किधर वास करना है? व्रज में वास करना है। तीनों ने इच्छा प्रकट की। इसका उल्लेख जो है पद्म पुराण में आता है। तो क्या हुआ, शिवजी जो है, शिवजी के कितने मुख है? पंच मुख। उनके पांच मुख है। तो शिवजी जो है पांच नंदगांव में पांच हिल्स जो पर्वत है वैसे वो वहां पे वास करते हैं, और नंदीश्वर के कारण वो जगह का नाम है नंदगांव। ये बात हमारे
श्रीमान ललित माधव प्रभु ने बहुत सुंदरता से बताई। हमसे एक गलती हुई थी फर्स्ट डे को, जो हम सुधार रहे हैं अभी। वो गलती ये थी कि हमने थोड़ा अदला बदली कर दी थी। पहले भगवान श्री कृष्ण 3 साल 4 महीने किधर रुकते हैं? फर्स्ट गोकुल महावन। तो वहां पे कौन सी लीला का आस्वादन करते हैं? कौमार लीला है, और वहां पे वात्सल्य रस का आस्वादन करते हैं। उसके उपरांत जो है वो वृंदावन जाते हैं, दे गो टू वृंदावन। तो वहां पे 3 साल और 4 मास, और तो भगवान जो है वहां पे 6 साल और 8 महीने के हो जाते हैं, किधर? वृंदावन में। और वहां पे क्या आस्वादन करते हैं? वहां पे साख्य रस प्लेन, इसलिए तो रमन रहती है। आई मेड अ मिस्टेक। एंड फिर उसके बाद भगवान किधर आते हैं? नंदगांव आते हैं। और यहाँ पे भगवान आते हैं तब 6 साल 8 महीने के होते हैं, और फिर बड़े 10 साल के होने के बाद यहाँ से मथुरा की ओर इधर से ही प्रस्थान करते हैं। तो दैट वॉज अ स्मॉल मिस्टेक, प्लीज नोट द करेक्शन। तो अभी हम कहाँ पे हैं? बरसाना। तो अभी हम लोगों ने जो है ये नाम कैसे आता है वृषभानु महाराज से वो पता लग गया हमको, बरसाना। वरना व्हाट इज दिस बरसाना? कुछ बरसाता है क्या, बरसता है क्या, ऐसे लोग सोचते हैं। नहीं, ये वृषभानु महाराज से ये नाम आया है बरसाना। तो जैसे कि हमने बोला कि नंदगांव में कौन निवास करते हैं? शिवजी जो है वो 5 प्रकार के पर्वत बन गए, 5 हिल, तो वहां पे नंदीश्वर है। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी की भी इच्छा हुई कि मैं भी जो हूँ व्रज का वास करना चाहता हूँ। तो ये 4 गढ़ मिलके जो है ये बरसाना धाम बनता है, 4 गढ़। तो यहाँ पे 4 गढ़ है, नाम बताइए मेरे पीछे। मानगढ़, दूसरा भानगढ़, तीसरा दानगढ़, और चौथा विलासगढ़। कौन बताएगा वन बाय वन? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, नोट कर लिया? तो इस प्रकार से ये 4 गढ़ जो है ये ब्रह्मा जी है ऐसे बताते हैं। सम वर्जन्स दे से, गलत कुछ नहीं है, सम वर्जन से दैट एक्चुअली मोर कुटिया जो है वो ब्रह्मा जी का 4th सर है। इट इज नॉट विलासगढ़। विलासगढ़ जो है वो काले रंग का गढ़ जो है, ये यहाँ पे साक्षात विष्णु निवास करते, दोनों का पुराणिक रेफरेंस है। तो ऐसा कैसा समझना चाहिए? कल्पभेद, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। तो ये 4 गढ़ जो है ये ब्रह्मा के 4 सिर है जैसे वो निवास करते हैं, राइट? तो यहाँ पे विष्णु भी है बरसाना धाम में ही, कैसे? विलासगढ़ के रूप में। विलासगढ़ एक्चुअली विष्णु है, मोर कुटिया इज द 4th हेड ऐसे बताते हैं। लेकिन सारी जगह पे हम लोग जाने वाले, डोंट वरी। तो आज जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों किस रूप से वास करते, निवास करते व्रज में, उनका दर्शन करने के लिए हम लोग आने वाले। बोलो बरसाना धाम की। तो राधा रानी के साथ जो है, आप कितने लोगों ने जो है हमारे इस्कॉन मंदिर में या फिर कहीं भी फोटो में जो है अष्ट सखी गणों का देखा है? आपने अष्ट सखी गण देखे? बहुत सुंदर, बिल्कुल अष्ट सखी गण। तो ये अष्ट सखी गण कौन है? देखिए पहले ही बताता हूँ, ललित माधव प्रभु जी यहाँ पे है। तो पहली बात तो वो फोन पे थे इसलिए मैं नहीं कर पाया। तो पहली बात प्रभु जी का आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, प्रभु जी से आशीर्वाद से ही कुछ बोलेंगे हम। सो प्लीज ब्लेस मी प्रभु जी, आई कैन स्पीक समथिंग, ऑल्दो आई एम नॉट क्वालिफाइड फॉर एनीथिंग। जैसे प्रभु जी का नेचुरल भाव आता है, आई एम नॉट क्वालिफाइड, ऐसा भाव होना चाहिए प्रत्येक भक्त का। हम लोग आने यहाँ पे आने के लिए भी योग्य नहीं है, और मैं तो बात करने के लिए बिल्कुल योग्य नहीं हूँ। लेकिन फिर भी जो है बहुत कुछ चीज़ें जो गुरु महाराज से श्रवण की है, अन्य आचार्य वृंद से श्रवण की है, और बाकी सारे इस्कॉन वरिष्ठ भक्तों से श्रवण किए, मेरे शिक्षा गुरुओं से श्रवण किए, प्रभु जी से श्रवण किए, वो सारी चीज़ ही मैं बताने वाला हूँ। ओके, तो बातें बहुत एजोट्रिक रहेगी। ऐसा बोलते हैं, हैव योर हेड्स हाई इन द क्लाउड्स बट योर लेग शुड बी ऑन द ग्राउंड। सो हमें ग्राउंड रियलिटी पता होनी चाहिए, हम किधर हैं, बराबर? तो हम बड़े बड़े धाम में आए हैं गुरु कृपा से, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आए हैं, वरना हमारी कोई पात्रता नहीं यहाँ पे। तो मेरी तो खास करके कोई भी पात्रता नहीं है ये सब बोलने के लिए, लेकिन बहुत बहुत उच्च कोटि के, उच्च श्रेणी के लीला हम लोग श्रवण करने वाले हैं, राइट? तो इसलिए हम लोग जो है इसको ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे, और प्रतपक पर जो है नम्रतापूर्वक हमारी अयोग्यता का प्रकट करेंगे, ताकि क्या होगा, हमें और कृपा मिलेगी। जितने हम अयोग्य समझेंगे अपने आप को, उतनी और कृपा मिलेगी। जितने हम अपने आप को योग्य समझेंगे, अरे आई एम वेरी क्वालिफाइड, मेरे को सब आता है, मैं बहुत महान भक्त हूँ, उतना बिल्कुल कृपा सब चली जाएगी, जितनी है वो भी चली जाएगी, राइट? तो हम बिल्कुल अयोग्य है, प्रभु जी के आशीर्वाद से हम कुछ बोलेंगे आज, ठीक है? तो अष्ट सखी, इनको बोलते हैं परम प्रेष्ठ सखीगण, ये मंडल है 8, और ये सब श्रीमती राधा रानी के ही विस्तार है, उनकी अंतरंग शक्ति के विस्तार है, ठीक है? तो आप लोग बताइए, ये चश्मा लेता नहीं है, लेकिन फिर क्यों चांस लेने का?
नहीं लेते, लेकिन क्यों चांस लेने का? टेंशन हमें आता है ना माया, प्रॉब्लम हमको होता है। ठीक है, कथा पे ध्यान दीजिए, चश्मा निकालिए, कथा पे ध्यान दीजिए। ठीक है, श्रवण, ओके। तो ये आठ सखीगण कौन कौन है, कोई बता सकता है नाम? ललिता, विशाखा, रम्या, चंपकलता, तुंग विद्या। ठीक है, मैं बताता हूँ। तो चार सखियां जो है राधा रानी से बड़ी है उम्र में, और चार सखियां जो है छोटी है। तो चार बड़ी सखियां क्रम अनुसार है तुंग विद्या, इंदुलेखा, ललिता, विशाखा। ऐसे 1 2 3 4 इस सीक्वेंस में है। ओके, हरी 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 काही नहीं करत बोलना असल का अनुभव नहीं है ना इन लोगों को। ठीक है, आप बैठी रही, उनको देखिए मत, प्लीज डोंट लुक एट देम, अपना काम करते रहिए, वो अपना काम करके चले जाएंगे। ठीक है, आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए, मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, प्लीज। क्या बोलूं? हाँ, तुंग विद्या, इंदुलेखा, ललिता, विशाखा। तो ये चार सखियां जो है राधा रानी से बड़ी है, और फिर राधा रानी से छोटी जो सखियां हैं वो है चंपकलता, फर्स्ट कम्स चित्रा, उनको सुचित्रा भी बोलते हैं, चंपकलता, और फिर सुदेवी और रंगदेवी जो है, ये दे आर ट्विंस, ये दोनों ट्विंस हैं। तो ऐसे चार सखियां जो है वो जूनियर है। तो शास्त्र में दो बातें कही, एक चीज कहा गई है कि हर कोई सखी जो है राधा रानी से एक वर्ष और एक दिन बड़ी है, बड़ी क्रम अनुसार 1-1, इसलिए हम बोलते हैं ललिता षष्ठी, राधा अष्टमी, तो 2 साल 2 दिन बड़ी है वो वैसे। और जो सखियां जो राधा रानी से छोटी है वो 1 साल और 1 दिन छोटी है वैसे। तो सारे जो है राधा रानी के कजिन्स, यानी कि उनके राधा रानी के चाचाओं की पुत्रियां हैं सारी, तो इस तरीके से वो एक ही परिवार है। और वो जो भी है वो अंतरंग शक्ति है भगवान की, राधा रानी के ही विस्तार है, ये डायरेक्ट एक्सपेंशन है ये अष्ट सखी। तो इनके बारे में क्यों बोला? इसलिए बोला क्योंकि ये अष्ट सखी वृंद जो है वो बिल्कुल उनके जो घर है, ये सारी जो अलग अलग, अगर इस बरसाना धाम को अगर हम लोग सेंटर में एक वर्ल ऑफ द लोटस ऐसे इमेजिन करें, वैसे तो पूरा ब्रज जो है वो क्या है, सहस्र पंखुड़ियों वाला एक कमल ही है। अगर बरसाना को कमल का केंद्र माने तो अन्य सारी 8 पंखुड़ियां जो है वो राधा रानी के अष्ट सखियों का घर आता है। तो 3 ऐसे जगहों के बारे में हम सिर्फ चर्चा करेंगे, जाएंगे तो नहीं लेकिन चर्चा करेंगे, इसलिए आप मानचित्र बना लीजिए, ट्राई टू मेक अ मैप इन योर हेड्स। ठीक है, तो ऐसा है बरसाना धाम। ठीक है, तो राधा रानी के बारे में कुछ लोग चर्चा करना आवश्यक है समझ, क्योंकि बहुत बार लोग समझते हैं अरे ये तो साधारण साधारण स्त्री है, इनके बारे में शास्त्र में तो कोई उल्लेख नहीं है, ऐसा समझते हैं। लेकिन अगर आप मेजर पद्म पुराण में पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर एक श्लोक आता है, मेरे पीछे दोहराइए, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परः। तो ये देवी है, देवी का मतलब दो अर्थ है देवी के, देवी माने द्योत्ता माने परम सुंदरी, तो एक है देवी यानी कि अत्यंत सुंदर, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, और दूसरा देवी का अर्थ है कि वो बहुत बहुत शक्तिशाली, भगवान की शक्ति है वो। यस, राधिका परदेविता, ये राधिका शब्द जो है कहाँ से आता है? ये राधिका शब्द जो है आराधना से आता है, जो भगवान की आराधना बहुत तीव्रता से करते हैं। अनया आराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः तन्नो विहाय गोविंदो प्रीतोयम अनुयद्वयः, जो भगवान की आराधना करते हैं वो राधिका परदेवता, इनसे बढ़कर कोई भी पूज्य आराध्य कोई नहीं है, इनकी सर्वोत्तम पूजा करनी चाहिए। सर्व लक्ष्मीमयी सर्व, पहले भी गौड़ीय बोला था ना, हम कौन है? गौड़ीय, गौड़ीय यानी कि राधा रानी की उपासक। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी यही बोलते थे कि हम वास्तव में कृष्ण की पूजा करते हैं क्योंकि राधा रानी की इच्छा है, वरना हम लोग राधा रानी के भक्त हैं, तो वो पर देवता है हमारे लिए। सर्व लक्ष्मीमयी सर्व, कल भी प्रभु जी बहुत सुंदर बता रहे थे कि किस प्रकार से रुक्मिणी जो है वो द्वारका महिषी है,
रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती, वैकुंठ लक्ष्मीगण है, ये सारे व्रज गोपिकागण, द्वारका महिषीगण और वैकुंठ के लक्ष्मीगण, ये सारी जो है ये राधारानी के ही विस्तार है एक तरीके से। तो सर्व लक्ष्मीमयी, सर्व कांति सम्मोहिनी पर है, उनका शरीर जो है ज्योतिर्मय कांतिर्मय गौर शरीर, गौर वर्ण की, इसलिए इसको गौरांगी बोलते हैं उनको, सम्मोहिनी पर है। और वो राधा रानी जो है कृष्ण को ही मोहित कर देती है, इसलिए उनका नाम क्या है, मदन मोहन मोहिनी। तो ये श्रीमती राधा रानी, श्रीमती राधा रानी की। तो आध्यात्मिक शक्ति तीन प्रकार के है, आध्यात्मिक शक्ति पहली है जो है संवित, दूसरा है शंदिनी, तीसरी है लादिनी। तो संवित यानी कि क्या, संवित यानी कि स्पिरिचुअल नॉलेज, जो ज्ञान की शक्ति है, उसके प्रतिनिधित्व कौन करते हैं, स्वयं कृष्ण, कृष्ण ही करते हैं। शंदिनी कौन है, शंदिनी के प्रतिनिधित्व कौन करते हैं, मैंने दाऊजी में बताया था आपको, बलराम जी। और बलराम जी जो है वो धाम बनाते हैं, धाम उनका, धाम की पोटेंसी बलराम जी है। और भगवान की आनंद की जो आनंद, सच्चित आनंद बोलते हैं ना, वो आनंद आह्लाद जो है, लादिनी शक्ति की स्वरूपिनी कौन है, राधा रानी। तो राधा रानी जो है इज द प्लेजर पोटेंसी ऑफ कृष्ण, यानी कि कृष्ण की जो आनंद की साक्षात स्वरूपिनी है वो राधा रानी है। इसलिए बोलते गोविंद नंदिनी राधा गोविंद मोहिनी, गोविंदी गोविंद सर्वस्व सर्व कांता शिरोमणि। गोविंद मतलब हमने सुना था, गोविंद क्या है, गोविंद कौन है, जो इंद्रियों को या भक्तों को आनंद देते हैं, गायों को आनंद देते हैं। लेकिन ऐसे गोविंद को आनंद देने वाली कौन है, गोविंद नंदिनी राधा गोविंद मोहिनी। कैसी राधा रानी की कृपा जो है हमें प्राप्त करनी चाहिए यहाँ पे, तो राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है, ठीक है, फाइन। तो ये वृंदावन जो है वैश्यों की कम्युनिटी है, किनकी, वैश्यों की। तो थोड़ा जस्ट बैकग्राउंड, थोड़ा हिस्टोरिकल दे देता हूँ। देवराज बोल के एक राजा थे, महाराज देवराज, उनके दो पुत्र हुए, एक का नाम था परजन्य और दूसरा का नाम था शूरसेन। तो परजन्य जो है उनको एक वैश्य कन्या से प्राप्त हुआ था और शूरसेन जो है उनको एक शत्राणी से प्राप्त हुआ था। तो परजन्य के पुत्र कौन है, पांच पुत्र, जैसे कि प्रभु जी ने कल बताया, उपानंद महानंद सुनंद नंद अभिनंद, ये पांच भाई। और उसी प्रकार से शूरसेन के पुत्र कौन हुए, वसुदेव, वसुदेव। तो वसुदेव और नंद के बीच का आपको जो है संबंध पता लगा, कौन क्या है, वो सौतेले भाई है सोटू से, लेकिन एक्चुअली उन दोनों में बहुत प्रेम था। नंद महाराज बड़े थे, वसुदेव उनको अपने बड़े भाई की तरह मानते थे, बहुत निकटतम मित्र थे दोनों। तो कृष्ण किनके पुत्र हैं, दोनों के, बराबर, कृष्ण दोनों के पुत्र हैं, नंद के भी हैं और वसुदेव की भी है। तो पहले जो है परजन्य राजा जो थे नंदगांव में ही बरसाते थे, लेकिन नंद महाराज को दीर्घ काल तक कोई पुत्र नहीं हुआ था, इसलिए वो कहाँ चले गए, गोकुल महावन चले गए। उनको लगा जगह चेंज हो जाएगी तो थोड़ा पुत्र मिलेगा, वहां के ऋषियों की महावन में जाके महा तपस्या, उसको बृहद्वन भी बोलते हैं, वहां जाके थोड़ी तपस्या करेंगे तो पुत्र हो जाएगा, तो ऐसे करके वो वहां चले गए थे। उसी प्रकार से एक्चुअली वृषभानु महाराज जो है उनका ओरिजिनल घर, जो उनका एंसेस्ट्री पुरखों का घर है, वो कहाँ है, बरसाना में ही है। लेकिन वो भी जो है उनको भी पुत्री नहीं हो रही थी, पुत्र नहीं हो रहा था, तो फिर वो कहाँ चले गए, वो रावल बोल के एक जगह चले गए, खत रावल भी बोलते उसको। तो वो श्रीमती राधा रानी की जन्मस्थली है, कौन सी, रावल। फिर उसके बाद राधा रानी जो यहाँ पे आई और बड़ी हुई, ये उनका बरसाना धाम। तो एक एक करके हम लोग जल्दी जल्दी चर्चा करेंगे। तो ये वैश्यों का समाज है, किनका, वैश्य समाज। क्षत्रिय का समाज जो है मथुरा में। तो वैश्यों के समाज में वैश्यों के तीन रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, कौन कौन से, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य। कृषि मतलब क्या, एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी। इसका स्वरूप कौन है, बलराम जी, बलराम जी इसलिए हल लेके घूमते हैं, ओके। दूसरा गोरक्षा, भगवान कौन, गोपाल, साक्षात गोपाल, तो वो गाय का रक्षा करते हैं, गोपाल हमेशा गाय साथ में रहती है। उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी और अन्य गोपी, वो क्या स्वरूप ही नहीं है, वो वाणिज्य, बिजनेस। तो एक बहुत ही सुंदर जगह, हम ऊपर से देखेंगे हम जा नहीं पाएंगे, उस जगह का नाम है सांखरीकोर, सांखरीकोर। तो अभी हम लोग यूथ के साथ आए थे तो गए थे, बहुत स्लिपरी है,
तो हमारी माता जी जो है स्लिप होके गिर गई, अभी ठीक है आप रोके, तो प्लीज़ संभाल के चढ़िए, संभाल के जाइए क्योंकि स्लिपरी भी है, तो चलते रहिए, वैष्णव का सहारा लेके ग्रुप में चलते रहिए, ठीक है। इट्स क्वाइट स्लिपरी, माता जी को चोट लग गई, ऑल ऑफ यू टेक केयर, ठीक है। चलेंगे भर भर फास्ट फास्ट, लेकिन फिर भी संभाल के जो है कदम रखिए, ओके। तो सांकरी कोर तो ऑलवेज स्लिपरी है, बहुत स्लिपरी है, करके ऐसा स्लाइड होके आ जाता है। तो उधर से वो एक नैरो पैसेज है, बहुत थिन लाइन है, वहाँ से गोपियाँ क्या करती थी, गोपियाँ जो है वहाँ से दही मक्खन दूध घी ये सब लेकर के मटके में जो है वो विकरण करने, वाणिज्य बिजनेस करने जाती थी। तो ट्रेडिशनली जो है विलेज की लड़कियाँ कैसे मटके में बिजनेस करती थी, अरे मक्खन ले लो, अरे घी ले लो, हाँ दही ले लो, ऐसे करके बोलती थी। लेकिन वो कृष्ण इतना कृष्ण वो जाती थी सांकरकोर से क्या, किसके लिए, बिजनेस करने के लिए। लेकिन उनके पीछे का लक्ष्य था काश हमें जो है कृष्ण मिल जाए, कृष्ण मिल जाए, वो यही सोचते थे कि कृष्ण आ जा, कृष्ण आओ ना। तो कृष्ण के इतने चिंतन में रहते थे, तो दही ले लो ऐसे करके, गोविंद ले लो, माधव ले लो, कृष्ण ले लो, अरे क्या बोल रहे हम लोग, गलती हो गई, फिर से दही ले लो, बाहरी चेतना में आ जाता है। एक्चुअली वो कृष्ण को ढूंढने के लिए जाते थे, और कृष्ण अपने गोपगण के साथ उधर आके उनको रोक देते थे, रुको किधर जा रहे हो, बोला हम बिजनेस वो करने जा रहे हैं, नॉट अलाउड, इधर से जाना है मतलब आप लोगों को सब कर चुकाना पड़ेगा, क्योंकि ये कौन है पता है, कृष्ण ये जो है ब्रजराज के सुत, ब्रजराज सुत है, तो इधर कर नहीं दिया तो इधर से नहीं जा सकते, तो प्लीज प्लीज जाने दो ना हम, ये पता है कौन है, ये बरसाना की जो है राजकुमारी है, राधा रानी हमारे साथ है, एक्चुअली ये तुम इधर आते हो अपने गाय के साथ और इधर सब गोचारण करते हो, इधर के फल फूल खाते हो, तुमको कर देना पड़ेगा। कृष्ण बोल दो वो सब लॉजिक नहीं चलेगा, तुमको जो है कर देना ही पड़ेगा, कर नहीं दोगे तो इधर से आगे बिजनेस करने देंगे नहीं, तो ऐसा बोल दिया। तो फिर उधर जैसे ही गोपी बोला नहीं हम कर नहीं देंगे, तुम क्या करोगे, तो कृष्ण और गोपगण ने क्या किया, कृष्ण और गोपगण ने पत्थर दिए और पट 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 करके सारे उनके जो मटके थे वो तोड़ दिए। आप लोग खुश नहीं हुए लीला सुन के, सब लोग एकदम सर तोड़ दिए, अरे आनंद लीजिए पास टाइम का, टूट गए तो सब लोग मक्खन सब आने लगे आ, 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 करके उसको पी रहे थे। तो कुछ गोपियां प्लग कर रही थी, अरे हमारा वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसको नहीं फ्री में दे देंगे इसको, तो उसको प्लग कर रहे थे, लेकिन वो फिर से दूसरा पत्थर मार के तोड़ रहे थे। ऐसे करके कृष्ण और पार्टी हाथ झपट के सक्सेसफुल, आज का हो गया हमारा लूटमार, चलो वापिस चलते हैं गैंग, इस तरीके से वो वापिस गए। तो राधारानी और गोपियों ने बोला ये रोज का झमेला है, रोज रोज ये कृष्ण और उसका गैंग आके परेशान करता है हमको, इसको कुछ ना कुछ सबक तो सिखाना पड़ेगा, तो कल चलो कल हम लोग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ आएंगे, ऐसे ही चुपचाप नहीं आएंगे। तो गोपियों ने क्या किया, अपना अपना गोरिल्ला वॉरफेयर स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हुए हर कोई गोपी जो है झाड़ी पीछे उधर सब छुप गई, बोला उसको आने दो पहले, फिर हम लोग जो है छापा मार करेंगे, छापा मार टेक्निक। तो कृष्ण और गोपगण सोचे आज भी अच्छा लूट मार, चलो आने दो उनको हम फिर से लूटेंगे, ऐसे बोले कृष्ण और उनके जो गोपगण है वो आ गए उधर, और देखा आज अच्छा लगता है, सब गोपियाँ जो है डर के भाग गई, अब से यहाँ पे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको कोई और जगह ढूंढना पड़ेगा लूटपाट के लिए। तब वो जो है ऐसे एक दूसरे के साथ हंस रहे थे, बात कर रहे थे, वो जीत गए ऐसा लगा, तो ऑल ऑफ अ सडन वहां से घोषणा हुई आक्रमण हमला बोल के, सब लोग एक दूसरे, सबने जो मैन टू मैन अप्रोच होता है ना वैसे किया, और सीधा गोपियों ने जा करके गोपगणों की शिखा पकड़ ली, और शिखा पकड़ के जो है पेड़ से बांध दिया उनको, शिखा पकड़ के बांध दिया, सभी गोपियों ने बांध दिया, ऐसे ऐसे भर के टांग दिया। और फिर लास्ट में राधा रानी ने किसको पकड़ा, कृष्ण को भी पकड़ लिया, उसकी भी शिखा बांध करके जो है वहां पे पेड़ से लटका दिया, और सारे गोपगण फंस गए। और वो सब गोपगण बोले देखो हमको छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो ना, हम नहीं जाना चाहते, प्लीज बेइज्जती हो जाएगी हमारी। राधा ने बोला रोज हम लोग बोलते थे छोड़ दो, तुम लोग छोड़ते थे, नहीं नहीं हम लोग अगली बार से कभी नहीं करेगा, प्रॉमिस, ऐसा नहीं चलेगा, बोला ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं, नॉट अलाउड, अभी तुमको जो है क्या करना पड़ेगा, यस तुम्हें बहुत एक खास ले, तुमको हमारा तकलीफ जो है, हम लोग जो कष्ट झेलते वो समझना पड़ेगा, तो तुम सब गोपगण क्या बनोगे, गोपी बनो, चलो मटके लो गोपी बनो। और गोपगण बोले, गोपी लोग बोले कि आज हम गोपी बनेंगे, और तुम मटके लेके जाओ, हम लोग
तुमसे कर वसूल करेंगे, तुम्हारा सब मटका तोड़ेंगे और तुमको कष्ट देंगे, तुमको परेशान करेंगे। और उसने ये जो है कृष्ण क्या बन गई, गोपी बन गई। राधा रानी कौन बन गई, कृष्ण बन गए। और वो छेड़ने लग गए भगवान को, और इस तरीके से जो है कृष्ण से कर वसूला उन्होंने और कृष्ण को फिर समझाया। ऐसे समझ में आया अभी क्या हुआ तुम्हारे साथ? अरे बाप रे। तो सांकरी कोर के जस्ट ऊपर जो है वहां पे है दानगढ़। क्या, कौन सा गढ़? तो दानगढ़ में है विग्रह श्री श्री राधा दान बिहारी जी की। तो उधर राधा रानी जो है वो राधा रानी नहीं, वो कौन है? कृष्ण है। और जो कृष्ण है वहां पे कौन है? वो राधा रानी है। दोनों एक्सचेंज हो चुके हैं, समझ में आया? तो राधा रानी का दर्शन करें तो वो कौन है एक्चुअली? कृष्ण। और कृष्ण के जगह कौन है? सो दान बिहारी कौन हुए? राधा रानी। और राधा कौन है? कृष्ण। समझ में आया? कंफ्यूजिंग कंफ्यूज ही करना था आप लोगों को। हरे कृष्णा। राधा रानी कृष्ण है और कृष्ण राधा रानी उसमें। सो दान बिहारी कौन हुए? राधा रानी। और कृष्ण को वहां पे राधा कौन है? कृष्ण। कृष्ण वहां पे राधा रानी की तरफ खड़े हैं। बोलो श्री श्री राधा दान बिहारी लाल की जय। यस। तो आज भी अगर हम सांकरी कोर में से गए थे, एक्चुअली अभी हम लोग नहीं जा पाएंगे, तो वहां पे बच्चे जो है अगर आप उनको थोड़ा बख्शीश दोगे, बख्शीश बख्शीश पूछते हैं, वो पूरी लीला जो है गाने के साथ करके दिखाते हैं। वी हैव सीन दिस। तो आपने देखा है बच्चे जो है मस्त गा, दो लड़कियां गाती है नाचती है और लड़के जो है वो पल्लू बना के मस्त, आपने वीडियो बनाया आपके साथ शेयर करता हूँ, तो बच्चे कर देते हैं उनको कुछ, दे वॉन्ट सम नाइस थिंग्स टू ईट, तो 10-10 रुपए में दे विल डू इट वेरी नाइसली। मस्त नाचते हैं गाते भी हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। इस गांव का नाम आपने सुना क्या है? चिकसोली। तो बहुत लोग पूछते प्रभु ये चिकसोली चिकसोली क्या है? तो यहाँ पे चतुर बोल के एक उनके क्षेत्र राजा थे जो कि चित्रा सखी के पिताजी है इनके, तो इसलिए इनका नाम भी है चिकसोली। ये चित्रा सखी का एक्चुअली गाँव है, मैंने बोला ना तीन गोपियों के नाम कवर करेंगे, तो चित्रा सखी का ये गांव है। और यहाँ पे ऊंचा गांव बोल के एक जगह है, वो भी बरसाने के बहुत पास से दिखता भी है, वो ललिता, हाँ ऊंचा गांव ना उधर ना, वो ललिता सखी का जो है उनका गांव है। और सुहार ग्राम बोल के भी है, सुनहरा गांव, तो उसको सुहार ग्राम भी कहते हैं, सुनहरा ग्राम, जो कि सुदेवी और रंगदेवी जो जुड़वा बहने हैं उनका गाँव है सुनहरा गाँव। तो यहाँ पे तो ये तीनों गोपियाँ जो बहुत बढ़िया बढ़िया सेवा करती हैं, चित्रा सखी जो खास करके मृदंग प्लेयर है, चीज़ मृदंग प्लेयर, ललिता सखी इज काउंसिलर, इसलिए उनको अनुराधा बोलती है जिनको राधा रानी फॉलो करती है। और सुदेवी रंगा देवी जो है वो बिल्कुल अपने बिहेवियर में ललिता सखी जैसी है, और तीनों का कलर जो है कुमकुम की तरह रेड है, वेरी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये तीनों इधर रहते हैं। तो ठीक है, अभी ये गहवरा गाँव जो है कृष्ण कुंड, यहाँ क्या लीला हुई थी? तो यहाँ पे आप देख पाएंगे मधुमंगल का जो सिंहासन, सिंहासन की तरह, यस, सामने जो आप देख रहे थे वो मधुमंगल का सिंहासन है सामने, वही ना, बराबर। तो क्या लीला हुई थी आपको बता दो, कृष्ण और गोपगण जो है चिकसोली में आकर के, इस चिकसोली में खास करके उनकी पद्मावती मैया बोल के एक गोपी थी, उनके घर का दूध मक्खन बहुत टेस्टी था, पद्मगंधा पद्मावती ऑल कनेक्टेड, तो ये लोग बार बार आके उसको बहुत सताते थे। तो कृष्ण स्तोक, कृष्ण उज्ज्वल अर्जुन सुबल श्रीधाम सब उनका गैंग था, और उस गैंग में ये सब वैश्य लड़के थे, लेकिन उस गैंग में एक ब्राह्मण लड़का था, उसका नाम क्या था? मधुमंगल। मधुमंगल बोल के एक ब्राह्मण लड़का, मधुमंगल। सो मधु जो है वो थोड़ा मोटा था, यस। तो इस तरीके से जो है क्या हुआ एक बार कि कृष्ण और उसकी टोली बार बार परेशान करती थी, इसलिए गोपियों ने फिर से स्ट्रैटेजी, चिकसोली ग्राम में स्ट्रैटेजी बनाया और बोला कि आज कृष्ण को आने दो, हम लोग क्या करेंगे दरवाजा बाहर से सब लॉक कर देंगे, बंद कर देंगे, फिर कृष्ण और उसके गोपगण क्या हो जाएगा, वो लोग अंदर फंस जाएंगे, और सबको कैसे पकड़ेंगे हम लोग, रंगे हाथों पकड़ेंगे। तो कृष्ण और सारे गोपगण, एक्चुअली गोपियों ने दिया था कृष्ण को, बोला कृष्ण क्यों हमारे घर में आके तोड़फोड़ करते हो, यस ले लो माखन ले लो। कृष्ण बोला ऐसा नहीं चाहिए, हमको मेहनत करके खाना है, तो हम लोग आएंगे स्ट्रैटेजी बनाएंगे, चोरी करेंगे, मेहनत करके खाएंगे, तो पद्मावती जी के घर में ऐसे खाएंगे हम लोग, ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर क्या हुआ, गोपगण जैसे अंदर गए, उन्होंने प्लान बना के रखा था, उस प्लान में वो लोग फंस गए, बुरी तरह फंस गए, और सब लॉक हो गया, और सबको पता लगा, सबने दरवाजा खोला, अरे माखन तो खा लिया हमने, लेकिन हम लोग तो अंदर फंस गए, बोल के खोलो खोलो खोलो, कुछ नहीं आवाज आ रही, अभी गोपीगण आने वाले हैं। तो क्या करे, कृष्ण ने देखा कि वहां पे एक खिड़की है, तो खिड़की खोल दी, वो तो खुला था,
तो कृष्ण बोला चलो 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 उसको का कृष्ण अर्जुन सुबल सब बाहर निकलो। तो एक एक करके सारे गोपगण जो है एक 1 2 3 4 जंप लगा के बाहर जाने लगे। दधी लोम्बी जो दधी है ना उनका मंकी फ्रेंड वो भी निकल गया। और फिर जो है मधु की बारी, मधु आ रहा था लेकिन उनका पेट बीच में अटक रहा था। बोला कृष्णा मैं नहीं जा पा रहा हूँ, कृष्णा प्लीज मेरे को बचाओ। कृष्ण वहां से खींच रहा था, दधी लोम वहां से पकड़ रहा था चाओ 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 बोल के, लेकिन फिर भी मधु मंगल नहीं आया। वहां से गोपी तब तक आ गई, तो दधी लोम बोला बाय बोल के दधी लोम भी चला गया अंदर। तो ऐसे करके मधु वहां पे फंस गया। जैसे मधु फंसा, मधु को पकड़ के एक गोपी ने हाथ पकड़ा, दूसरे ने दूसरा हाथ पकड़ा, किसी ने शिखा पकड़ लिया और फिर से शिखा से बांध दिया उसको। और बोला ए किधर गया पार्टी, वो सब चले गए, तुमको अकेले छोड़ के चले गए ना। अब बोला जितना बुलाना है बुलाओ, हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मधु बोला ए मैं तुमको श्राप दे दूंगा, ब्राह्मण हूँ श्राप दे दूंगा सुनो। बोला कुछ नहीं फर्क पड़ता, श्राप दे दूंगा। तो सबने मिलके जो है सुंदर सुंदर कोमल कोमल सी रस्सियों से मधुमंगल को बांध दिया। बोला तुम बांध रहे हो ना, तुम जो है तुम एक तेरा पति मर जाएगा, ऐसे बोल के बोल दिया चल जाओ, तेरा पति मर जाएगा तो विधवा बन जाएगी। और गोपी हंस रही थी ये क्या बोल रही है। दूसरे को बोला तू तेरा तेरा जो है तेरी शादी होगी, नहीं हुई ना तेरी शादी उस जगह होगी जहाँ पे ऑलरेडी 4-5 पत्नियां हैं उसकी, इसी जगह शादी होगी तेरी, वो भी हंस रही है क्या ये। तीसरी गोपी जो थी उसको तेरा तेरा ना बेटा, तेरा बेटा मर जाएगा बोल के ऐसे करके उसको श्राप दे दिया। ऐसे खेल में श्राप दिया, कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा था उसको, सब हंस रहे थे। फिर बोला अभी बांध दिया तेरे को, अभी तुम बुलाओ कृष्णा काना करा बोल के वो चिल्लाने लग गए। तब कृष्ण जो है बहुत ही दिव्य रूप में वहां पे प्रसन्न होके प्रकट हो गए, क्योंकि यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तृष्णा भी नारद। तो उधर आ गए और उधर आने के बाद गोपीगण तुरंत कृष्णा तुम आ गए उधर, बोला हे गोपियों तुमने क्या कर दिया, तुमने मेरे मित्र जो ब्राह्मण है उसको तुमने पकड़ के रखा है, ऐसे ऐसे नहीं करते, को छोड़ देना चाहिए, तुमसे अपराध हुआ है। गोपियों तुरंत एकदम हमसे अपराध हुआ, हमें क्षमा कर दो कृष्ण। नहीं नहीं क्षमा तो मैं नहीं करूंगा, क्षमा ये करेगा तुम्हें, तुम उससे क्षमा मांगो। और क्षमा मांगते वक्त जो है अच्छे अच्छे बहुत बहुत स्पेशल गोल गोल मोतीचूर लड्डू खिला के क्षमा मांगो, हाँ तभी वो क्षमा करेगा आपको। फिर कृष्ण वहां से जो है अप्रकट हो गए। फिर जो है गोपियां सीधा अंदर गई, उसको खोला और फिर एक एक करके लड्डू खिलाने लग गए। तो लड्डू मधुमंगल ब्लेसिंग्स तुम और तेरा पति हमेशा हमेशा खुश रहेंगे, ब्लेसिंग्स हाँ तुम खिलाओ हाँ वो खा रहे थे, ब्लेसिंग्स तुम्हारे, तुम बहुत अच्छे ससुराल में जाओगी, तुम्हारा पति तुमको बहुत प्रेम करेगा, ब्लेसिंग्स ऐसे करके। तीसरा बच्चा तुम भी खिलाओ आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स तुम्हारा बच्चा भी मेरी तरह तंदुरुस्त और मोटा बने, हरि बोल ऐसे करके सबको ब्लेसिंग दिया। अभी दे दो, अभी जो है दे दो, सब दे दो, जितने भी लड्डू बनाए सब दे दो मेरे। तो मधुमंगल सारे लड्डू लेके यहाँ पे आए और जो मधु ब्राह्मण है ना, ओम इंद्राय स्वाहा इदम नमः, ये इंद्र के लिए और ये मेरे लिए। ओम वरुण देवाय स्वाहा इदम नमः, ये वरुण देव के लिए और ये मेरे लिए। ये सूर्यदेव के लिए और ये मेरे लिए, ऐसे करके खा रहा था। तो कृष्ण और उनके गोपालक आ रहे थे, ये तो मजे में, हम लोग टेंशन में थे, ये फंस गया पकड़ा गया, ये मजे में लड्डू लूट रहा है। 1 2 3 अटैक, फिर से अटैक हो गया मधु पे और सब ने मिलके सारे लड्डू खेल लिए। ओ मेरा लड्डू, मधु मंगल रोने लड्डू ले लिया सबके। दधी आया, उसने भी खा लिया, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, कोई मेरा दोस्त नहीं है, सबने मेरा लड्डू ले लिया। फिर कृष्ण आता है, मधुमंगल लड्डू, हाँ लड्डू, कृष्णा तू मेरा बेस्ट फ्रेंड हो तुम, पहले बोल रहा था कोई दोस्त नहीं है, अभी बोला मैं बेस्ट फ्रेंड, ऐसे करके सारे गोपगण जो है लड्डू खा के चले जाते हैं। फिर मधु जो है देखता सब चले गए, वेरी गुड, मुझे पता था ये होने वाला है। तो मधु पीछे जाता है, पेड़ में दूसरा एक पुतली निकालता है फिर उसको वापिस प्रेम से, ये अश्विनी कुमार के लिए, ये मेरे लिए, ऐसे करके वो खाने लग जाता है। बोलो मधुमंगल की। तो ये लीला, यहाँ पे मधुमंगल ने हजारों लड्डू खाए मोतीचूर के, इसलिए कृष्ण कुंड प्रसन्न है, यहाँ पे भक्त को प्रसन्नता मिली। चलो थोड़ा हाफ तो आगे बढ़ेंगे,
अपन आए थोड़ा सा, अब बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। यस, तो आगे बढ़ेंगे हम, देखेंगे मोर कुटीर है। मोर कुटीर तो श्रीमती राधा रानी जो है एक बार एक मोर का नृत्य देख करके बहुत प्रशंसा कर रही थी, और कृष्ण भी डांसिंग में कुछ कम है क्या? तो कृष्ण ने बोला कि कौन बेटर डांसर, मैं कि मोर? राधा ने बोला मोर। राधा ने क्या बोला? मोर। तो कृष्ण बोला ये तो इंसल्ट है, चलो फिर से हो जाए कॉम्पिटिशन। सो भगवान ने क्या किया, भगवान ने फिर से अपना बेस्ट डांसिंग किया। राधा ने को पूछा मैं या मोर? मोर। तो कृष्ण ने क्या किया, अभी देखो मैं क्या करता हूँ। कृष्ण ने जो है मोर पंख लगा के बिल्कुल मोर की तरह एक वेश धारण किया और नृत्य करने लग गए, और अभी पूछा कौन? राधा ने स्टिल सेड तुम यू बेटर, मतलब काफी परफॉर्मेंस में काफी इंप्रूवमेंट आई है तुम्हारी, यस ग्रेस आ गया है थोड़ा एक्स्ट्रा, लेकिन फिर भी मोर। कृष्ण बोला अरे मैं ट्राइड माई बेस्ट, व्हाट इज दिस, ये तो सही नहीं है, सही बात नहीं है। राधा रानी सर आई विल कम एंड टीच यू। तो राधा रानी क्या बन गई? मोरनी बन गई, और मयूर और मयूरी, मोर और मोरनी, इस प्रकार से दोनों ने जो है यहाँ पे परस्पर नृत्य किया, और ये लीला जो है मोर कुटीर यहाँ पे हुई थी। तो फिर बहुत वर्ष पहले, अच्छा मोर कुटीर इज दैट साइड, सॉरी आई एम जस्ट शोइंग रैंडमली, प्रभु जी नोज द एग्जैक्ट लोकेशन, तो उधर है मोर कुटीर, तो वहाँ पे हुई थी। तो बहुत वर्ष बाद जो है एक बहुत ही बढ़िया भक्त रहता था, लेकिन ये भक्त जो है वो देख नहीं पाता था, लेकिन वो श्रीमती राधा रानी का निष्काम भक्त था, जो हमेशा राधे 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 करके राधा रानी का नाम जप करता था। तो इस भक्त को जो है अपने लीला स्मरण में जो है ये मयूर मयूरी लीला जो है उनको ध्यान में आ गई, और जैसे ही मयूर मयूरी लीला जो है ध्यान में आ गई वो बहुत आनंदित हुआ था। फिर उसके बाद राधा रानी स्वयं उनको बोली कि हे भक्त, मैं चाहती हूँ कि तुम इसका पेंटिंग करो, इस चित्र को बनाओ। बोला हे राधे, राधा रानी भैया, महारानी, राधा रानी महारानी, मैं तो अंधा हूँ, कलर ब्लाइंड होता तो अगर, मैं तो पूरा अंधा हूँ, मैं कैसे बनाऊंगा ये पेंटिंग? राधा रानी बोला तुम सिर्फ प्रयास करो, बाकी कुछ नहीं। तो उसने बस प्रयास किया, कुछ लकड़ी काट करके पेंट ब्रश अपने आप बन गया, कुछ उसको कुछ नहीं पता, लेकिन उसके उसको केवल एक यंत्र माध्यम से जो है सारे रंग बन गए, और उसने केवल अपना हाथ चलाया ऐसे ऐसे करके, और वो बहुत सुंदर चित्र जो है वो बन गया। और आप देखेंगे कि ये सुंदर चित्र जो है आज भी मोर कुटीर में जो है उपस्थित है, जहाँ पे मयूर मयूरी लीला होती है। हरे कृष्णा। तो ये मोर कुटीर की लीला हो गई। उसके बाद हम लोग जो है मानगढ़ की थोड़ी लीला सुनेंगे, सुनेंगे जाएंगे। यस, तो मानगढ़ में क्या, मान मतलब क्या मराठी मध्ये, मान म्हणजे नेक, पण हा मान नहीं, दूसरा मान है, मान सम्मान वाला मान, वो एक मान है, लेकिन मान का एक और अर्थ होता है गुस्सा होना। तो यहाँ गुस्से वाली लीला होती है। एक बार क्या हुआ था, भगवान श्री कृष्ण आए थे और राधा रानी से मानगढ़ में मिले, और वहां पे जो है भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को बोला कि तुम जो हो चंद्र की समान सुंदर हो। राधा रानी बहुत गुस्सा हो गई, बहुत बहुत मान आ गया उनको। कृष्ण ने बोला राधे क्या हो गया, मैंने तो तुम्हारी प्रशंसा की है। राधा रानी बोला बहुत गलत उपमा यूज करते हो तुम, बहुत गलत उपमा यूज करते हो। पहली बात, चंद्र जो है उसकी सेल्फ ब्यूटी नहीं है, चंद्र की कांति जो है वो सूर्य पे निर्भर रहती है, तो इसलिए तुमने बहुत गलत उपमा, मेरी तो ब्यूटी जो है इंडिपेंडेंट है, मेरी स्वतंत्र सौंदर्य है, तुम कैसे मुझे चंद्र के साथ तुलना कर सकते हो, नंबर वन, इसलिए मैं गुस्सा हूं। दूसरा, चंद्रमा के ऊपर भी देखे, भले चंद्रमा बहुत सुंदर है लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे काले काले धब्बे, रैबिट की तरह, देखा है रैबिट, तो वो धब्बे है। अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक ना कथा के लिए, इस रैबिट के समान बहुत सारे वहां पे धब्बे हैं, और वो धब्बों के कारण जो, बट माई ब्यूटी इज स्पॉटलेस, कोई धब्बे नहीं है, तुम कैसे मुझे चंद्रमा के साथ कंपेयर कर सकते हो। नंबर तीन, चंद्र जो होता है वो क्षय होता रहता है, मेरा ब्यूटी क्षय होता है क्या? बोले कृष्ण बोला नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं, कुछ नहीं, गलत। और चौथा, चंद्र का नाम किस किसका नाम चंद्र से स्टार्ट होता है, उस चंद्रावली का जो कि राइवल है मेरी, प्रतिद्वंदी है। चंद्रावली मीन्स थाउजेंड्स ऑफ मून, मतलब वो थाउजेंड मून के समान, मैं सिंगल मून के समान, बिल्कुल नहीं। राधा रानी क्या हो गई, बिल्कुल जो है वो मान में चली गई, बिल्कुल मान, तो मान में चली गई। और कुछ टाइम कृष्ण वहां पे एकदम दुखी होके बैठे, अभी कृष्ण दुखी होके बैठे तो राधा रानी को भी थोड़ा अच्छा नहीं लगा। यस,
तो राधा रानी क्या की, राधा रानी बोलता अभी थोड़ा खेलते हैं इसके साथ, मान राधा रानी का जो है चला जाता है तुरंत। तो राधा रानी कृष्ण बन के आई और बोला कि मैं कृष्ण हूँ। कृष्ण बोले नहीं मैं कृष्ण हूँ, तुम कैसे कृष्ण, कहाँ के आ गए कृष्ण। बोला नहीं मैं कृष्ण हूँ, नहीं मैं कृष्ण हूँ एक्चुअली। तो वो अगर सच में तुम कृष्ण हो तो तुम्हारी राधा किधर है। बोला ढूंढ के लाता हूँ, एक मिनट दो, मेरी राधा को ढूंढ के आता हूँ। ढूंढता है वो बीच में राधा रानी की हंसी छूट जाती है और वो हंस देती है और कृष्ण पहचान देते हैं मेरी राधा तो यही है बोल के। फिर भगवान जो है वो मुरली बजाते हैं और मुरली बजाने के बाद जो है राधा रानी का मान भी भ्रम हो जाता है और वो बहुत आनंदित हो जाती हैं। वैसे श्री श्री राधा मान बिहारी जी जो है उनका मंदिर जो है मानगढ़ में हम देखेंगे। मानगढ़ के कुछ एडिशनल छोटे मोटे टिटबिट्स जो महाराज जी बताते हैं, आई जस्ट क्विकली मेक इट। तो यहाँ पे जो है एक बहुत बड़े बाबा जो है भक्त यहाँ पे नाम जप कर रहे थे तो अचानक से कौन आ गया, बंदर नहीं शेर आ गया, वो शेर वहाँ पे आ गया। तो वो बाबा ने क्या किया, वो बाबा ने उस शेर को दीक्षा दे दी, उसको जो है मंत्र दे दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोला चैंटिंग करना चाहिए रोज। तो शेर बोला 16 राउंड करोगे, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, कुछ नहीं। वो शेर ब्रह्मचारी रहा, पूरा जीवन भर बढ़िया ब्रह्मचारी रहा और उसके बाद उसने मांसाहार कभी नहीं किया, उल्टा उनको गुरु समर्पित कर लिया। और वो शेर क्या करते थे, वो टोकरी लेके भिक्षा मांगने जाते थे, वो दरवाजा खटखटा रहते थे और वो ब्रजवासी खोलते थे, डर जाते थे, दरवाजा खटखटाओगे सामने कौन है, शेर। तो धीरे धीरे करके उनको फिर पता लगा कि ये शेर कौन है, ये शेर जो है वो एक मिनट, हरे कृष्ण वन मिनट, ये शेर जो है बिल्कुल शेर ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी, शेर ब्रह्मचारी है और उसी के साथ साथ ये शेर जो है शाकाहारी, तो उसको दे देते थे और वो ऐसे करके आगे बढ़ता था अपने लैंग्वेज में करके वो ऐसे आगे बढ़ता था। पहले गुरु को देता था, गुरु पहले सर परोसते थे, गुरु खाते थे, उसके बाद जो शेष बचता था वही रोटी वो खाता था। तो ये जो है बहुत सुंदर, प्रभु उनको जो है घर वन बताइए, घर वन यूनोस, ठीक है। तो फिर दूसरी एक और लीला हुई थी यहाँ पे जो है, कुछ बाबा सुने थे परम पूज्य राधानाथ महाराज आए थे जब यहाँ पे, तो कुछ बाबा जो है लाठी लेके सोते थे। तो पूछा लाठी किस लिए है तुम्हारी, तो बोला कि यहाँ पे जो है लेपर्ड्स, लेपर्ड्स को क्या बोलते हैं, लेपर्ड चीता, चीते आते रहते हैं तो उनको भगाने के लिए। राधानाथ महाराज बोले, गुरु महाराज बोले कि अरे लेपर्ड ये लकड़ी के साथ थोड़ी भागेंगे। बोला नहीं 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 एक्चुअली इससे कुछ नहीं होगा, ये हमारा प्रयास है, अगर हम प्रयास करेंगे तभी श्रीमती राधा रानी हमारे ऊपर कृपा करेगी। तो ये है कौन सा गढ़, मानगढ़। तो दानगढ़ पे जो है हम राधा दान बिहारी जाते हैं, लेकिन दानगढ़ इसका नाम कैसे पड़ा उसके ऊपर एक लीला है, बहुत सुंदर लीला है। एक बार क्या हुआ था, यहाँ पे दहेज प्रथा बहुत प्रोमिनेंट थी। दहेज जो है व्यक्ति अपने हृदय से देता है गिफ्ट, लेकिन यहाँ पे एक ब्राह्मण था, वो बहुत दरिद्र था, गरीब था और उसकी एक बेटी थी जो जिसका विवाह नहीं हुआ था और ससुराल वाले जो है मतलब प्रोस्पेक्ट वो बहुत ज़्यादा दहेज में धन मांग रहे थे, उसके पास कुछ नहीं था। तो उसके पत्नी ने बोला तुम ढंग का कोई आईटी जॉब क्यों नहीं कर व्हाटएवर जॉब क्यों नहीं करते ठीक से, थोड़ा धन कमाओ अच्छे से, अच्छा मिलना चाहिए पैकेज, खराड़ी वराड़ी में चेक करो थोड़ा मिलता है कि नहीं, वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन अच्छे से कमाना चाहिए तुम्हें वरना हमारी बेटी का ब्याह कैसे होगा। बोला बहुत ट्राई करता था ब्राह्मण भिक्षा, कुछ नहीं होता था। फिर एक दिन जो उसके पत्नी ने उसको घर से निकाल दिया, बोला तुम जो है धन का प्रबंध करके आओ फिर ही वापिस घर आना वरना घर को मत आओ। तो ब्राह्मण सीधा आया भगवान श्री कृष्ण के पास और कृष्ण के पास आके बोला कि नंद के लाला हे कृष्ण हमें बचा लो, हमारी रक्षा करो, हमारी बेटी ब्याह नहीं हो रहा है, हमको घर से निकाल दिया, हमको थोड़ा बहुत जो है हमें जो है धन दौलत चाहिए ससुराल के लिए दहेज देने के लिए। तो कृष्ण ने कहा मेरे पास और कुछ नहीं लेकिन तुमने भिक्षा मांगी तो मैं दूंगा तुम्हें, मेरी एक ही संपत्ति है राधा रानी, तो मैं तुमको राधा रानी दे देता हूँ। तो राधा रानी को कृष्ण ने उस ब्राह्मण को दे दिया, तो ब्राह्मण और रोने लग गया, पहले एक बेटी थी अभी दो बेटी हो गई, अब घर जाऊंगा दूसरी बेटी के साथ मेरी पत्नी मेरे को मारेगी भी, अब क्या करूं। तो कृष्ण का चिंता मत करो, तुम तुलाभार का जो है आयोजन करो, उधर एक और हम श्रीमती राधा रानी को रखेंगे और बाकी और जो है सभी लोग मिलके सारी गोपीगण जो है राधा रानी के साथ, क्योंकि राधा रानी भी परेशान होगी, कृष्ण तुमने मुझे उसको दे दिया अब मैं उसकी हो गई, मैं तुम्हारी कैसे रहोगी। तो राधा रानी को भी जो है अंदर से दुख हो रहा था, तो कृष्ण वो देख लिया, सारी गोपियों ने भी वो देख लिया,
तो सारी गोपियों ने मिलके जो है अपने गहने मोती माला जितने भी है सारी चीजों को रख दिया तराजू पर और फिर राधा रानी के तुला भार किया। और एक बार वो तुला सेट हो गया उस ब्राह्मण ने उस धन का कोई एस्टिमेट बनाया और बोला कि एग्जैक्टली उतना ही चाहिए जितना वो दहेज मांग रहे, तो उतना धन उनको ससुराल वाले को दे दिया और अपनी बेटी को ब्याह दिया। ये लीला कहाँ हुई है? दानगढ़ पे हुई है। तो श्री दान बिहारी लाल की जय। राधा रानी। फिर एक और मंदिर आप बहुत ही एलिगेंट आई थिंक दैट इज द वन जयपुर, जयपुर का वो आगे है ना, ठीक है। तो आप देखोगे कि जयपुर के महाराजा ने एक्चुअली जो भानगढ़ के जो मेन डीटीज है राधा देखो लाडली लाल बोलते हैं, लाडली लाल राधा रानी का नाम लाडली है लाल, उनको बहुत अच्छे लगे या फिर इसको श्रीजी मंदिर भी बोलते हैं। तो उनको जो है वो विग्रह अपने जयपुर के लिए चाहिए थे, तो वो दूसरा एक मंदिर बनाया उन्होंने, दूसरा एक मंदिर बनाया, बोला तुम लोग इधर वर्शिप करो, लाडली लाल को हम लेके जाएंगे जयपुर। लेकिन बरसाना वासियों ने बहुत इसका विरोध किया, बोला बिल्कुल नहीं, अगर पहले वो डीटीज वहाँ चले जाएंगे तो आपको जो है आपके पुजारीगण इनकी सेवा करेंगे, हमको सेवा का अवसर नहीं मिलेगा। क्योंकि जैसे प्रभु जी बताते हैं हजारों हजारों ब्राह्मण और सेवक मिलके जो है सेवा करते हैं, उस समय पे बहुत लोग सेवा करते थे, तो उन लोगों को बहुत विरह हो रहा था, तो उन्हें मना कर दिया। तो राजा ने यहाँ पे जो है श्री श्री राधा कुशल बिहारी जी की स्थापना की। बोला नहीं लेके जाऊँगा मैं, वैष्णवों का अपराध नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे कुशल बिहारी लाल जी यहाँ पे हैं, तो हंस गोपाल निम्बार का स्वामी, और तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आपको विग्रह मिलेंगे, आप दर्शन कीजिए। राजा जी के महल बहुत ही आलिशान महल की तरह है वो, उसके अंदर जो है राधा कुशल बिहारी जी का दर्शन। तो जैसे श्री जी मंदिर कुशल बिहारी मोरकुटी ऐसे लाइन में आता है, ठीक है, तो वहाँ पे आप दर्शन करेंगे। फिर लास्ट में जो है श्री जी मंदिर या लाडली लाल मंदिर इसको बोलते हैं, ये भानगढ़ में है। तो भानगढ़ की क्या खासियत है? भानगढ़ यानी कि वृषभानु महाराज का घर, तो उसी के आंगन में जो है राधा रानी खेल खेल के बड़ी हुई, तो वो उनका घर भानगढ़ पे है वृषभानु महाराज का। तो मंदिर कौन सा है? श्री जी मंदिर। तो इसको चढ़ने के लिए जो है क्या लगते हैं? स्टेप्स। तो गुरु महाराज बताते हैं ये जो चढ़ना है, अभी इसको यंग युवक डिवोटीज करेंगे, जिसे नहीं जम रहा कोई बात नहीं, आप पहाड़ चढ़िए, इतना दूर आए हैं पुणे से, भगवान प्रसन्न है आपसे, डोंट वरी, अब टाइम पे आ जाइए बस। तो वो स्टेयर्स केस जब हम क्लाइम करते हैं हमको तीन गुण मिलेंगे, इसलिए वो क्लाइम करते हैं। पहली बात तो नम्र बनेंगे हम लोग, मेहनत करेंगे तो व्यक्ति मेहनत करता है ना नम्र, क्योंकि शहर में क्या है? लिफ्ट, कम ऑन प्रेस द लिफ्ट, सेकंड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, थैंक यू, ऐसे करके वो लिफ्ट वगैरह बताते हैं, इधर कुछ नहीं, इधर मेहनत करना पड़ता है, नम्र बनेंगे नंबर वन। नंबर टू, व्यक्ति को पेशेंस डेवलप होता है, क्या होता है? धैर्य, ये डेवलप होता है जैसे व्यक्ति बढ़ता रहता है। और लाइन में लगना, दर्शन के लिए वेट करना, ये क्या देता है व्यक्ति को? टॉलरेंस, सहिष्णुता, ये भावना, प्रभु जी मेरा हथियार मेरे पास रहने दो, कॉल्स में कम टू मी, सबका अपना अपना हथियार अपने पास होना चाहिए, यस, टॉलरेंस। तो ये सहिष्णुता भी है तीसरी चीज जो आ जाती है। तो तीन चीजें क्या मिलती है? नम्रता, अरे लिफ्ट नहीं है चढ़ के जाना पड़ता है, दूसरा धैर्य पेशेंस, आराम से चलो, तीसरा सहिष्णुता, झेलिए, ये तीनों क्वालिटीज हम लोग चल के गेन करते हैं इसमें। लेकिन राधा रानी का भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करते रहना चाहिए हमको, एक एक स्टेप पे नाम जप करते, एक हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे करेंगे तो भाई दो राउंड के बाद मिलेंगे, बराबर, तो ऐसा मत कीजिए, चलते रहिए, ठीक है, कीप वॉकिंग। उसके बाद जो है एक लास्ट लीला, आखिर की लीला बता के हम विरा देंगे आपको, विल पॉज द लीला, ओके। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर एक जगह है पास में ऑन द फुट हिल्स, इट्स कॉल्ड पीली पोखर, हम लोग उधर भी जाएंगे। पीली मतलब येल्लो, पोखर मतलब लेक, इज कॉल्ड पोखर। तो दुर्वासा मुनि जब आए थे तो राधा रानी जो है अपनी गोपियों के साथ मिट्टी से खेल रही थी, तो दुर्वासा मुनि आए, ब्राह्मण आए, सारी कन्याएं जो थी वो भाग गई और राधा रानी अकेले जो है मिट्टी के साथ खेल रही थी। दुर्वासा मुनि आके बोले बख्शीश बख्शीश, ब्राह्मण दान दो, ब्राह्मण आए हैं कुछ खिलाओ, तो उन्होंने बिठाया और दुर्वासा मुनि को व्रज रज के लड्डू बर्फी मिठाई व्रज रज के खिलाए। दुर्वासा मुनि खाए, टेस्टी और बनाओ, तो ऐसे करके बहुत खाए, व्रज रज के जो है लड्डू मिष्ठान बर्फी इत्यादि चीजें उन्होंने खाई व्रज रज की।
और वो खा करके दुर्वासा मुनि बहुत तृप्त हुए और उन्होंने ब्लेसिंग दिया राघव को। ब्लेसिंग ब्लेसिंग बेटा, तुम जिसके लिए भी खाना बनाओगी वो व्यक्ति जो है कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा। तो ये सारे व्हाट्सएप ग्रुप में फैल गया वृंदावन के। और जैसे ही सब ग्रुप में फैल गया, यशोदा रानी ने देख लिया, बोला कि मुझे अभी राधा रानी कृष्ण के राजभोग के लिए चाहिए। तो उनको बुलाया, कम एंड मेक राजभोग फॉर कृष्ण। तो राधा रानी आती थी बरसाना से और वो कृष्ण के लिए नंदगांव में क्या बनाती थी, राजभोग। और कृष्ण मस्त उसको खा के एकदम रेलिश कर, भैया खाना और भी टेस्टी बन गया, अभी वेरी गुड, और टेस्टी बन गया, वैसे अच्छे से नींद आती थी। और यशोदा मैया बहुत प्रसन्न थी। तो इस प्रकार से राधा रानी बरसाना से नंदगांव आती थी 8 किलोमीटर, और आगे पीछे आके राजभोग कुकिंग करके जाती थी। तो एक बार यशोदा मैया के जो है दिमाग में एक जो एक बहुत सुंदर आइडिया आया, राधा रानी इतना दूर आती है बिचारी, मेहनत करके सेवा करती फिर से जाती है। जैसे कुछ लोग भी बोलते हैं ना, प्रभु जी बहुत दूर आना पड़ता है मंदिर के लिए, क्यों ना हम लोग नियर बाई फ्लैट ले लेते हैं, फिर टेंशन मिट गया। तो उसी प्रकार से उनको चाहिए था राधा रानी पास में आ जाए, लेकिन पास में कैसे आएगी, जी हाँ उनका विवाह हो गया तो दोनों साथ में रहेंगे, फिर उनको ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं करना पड़ेगा और तक और सेवा कर पाएगी, तो क्यों ना राधा और कृष्ण का विवाह ही कर दें। तो ट्रेडिशनल परंपरा में जो है हल्दी थोड़ी सी लेके जो है, अगर हल्दी से हाथ पीले कर गए, उसके हाथ पीले हो गए मीन्स दे आर टेक्निकली एंगेज्ड। पाणी ग्रहण जो है हैंडशेक, हैंडशेक अगर प्रभु जी करें नो प्रॉब्लम, प्रभु जी माता करें मतलब पाणी ग्रहण मतलब विवाह संपन्न हुआ, हरे कृष्णा। तो उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे विधि है। तो हल्दी लगा दी और राधा रानी जो है एकदम ब्लश करने लग गई, एकदम शाई होके जो है वहां से भाग के निकल गई। तो ये बहुत अच्छा संकेत था। तो ये राधा रानी ने जो है पीला रंग देख के बहुत बढ़िया, लेकिन वो जैसी बरसाना आई उसको लगा, अरे मैंने तो किसी के साथ डिस्कस नहीं किया, अरे मेरे मम्मी पापा क्या बोलेंगे, फ्रेंड्स लोग क्या बोलेंगे, अरे येल्लो देख के तो क्या होगा, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। इसलिए वृषभानु महाराज का कुंड देख लिया उन्होंने, अपने कुंड में करूंगी तो शक हो जाएगा सबको, पीला पीला हो जाएगा ना, सब पूछेंगे पीली वस्तु क्या, पीली वस्तु क्या, बोलो बोलो पीली वस्तु क्या, ऐसे बोलेंगे। किसी और के कुंड में डाल दिया तो शक अपने पे नहीं आएगा। तो वृषभानु महाराज के कुंड में जाके उन्होंने अपने हाथ धो दिए और वो कुंड कैसा बन गया, पीला बन गया। तो उसका नाम क्या है, पीली पोखर। आगे की लीला थोड़ी शॉर्ट में बता दो क्विकली। तो फिर अगले दिन कृष्ण वहां पे आए, कृष्ण भी ऐसे घूमने घूमते घूमते आ जाते थे बरसाना, राधा रानी का एक दर्शन मिल जाए बोल के। तो वहां देख के कृष्ण तो पागल ही हो गए, ये पीली वस्तु क्या है, ये पीली वस्तु क्या है, पीली वस्तु क्या है, ये पीली वस्तु क्या है, बोल के कृष्ण बिल्कुल पागल हो गए उस। तो वहां जगह पे जो है राधा रानी का जो है कृष्ण के प्रति जो भाव है, प्रेम है, वो प्राप्त होता है। उसके बाद विवाह की बात हुई कि नहीं हुई, तो विवाह का जो है प्रपोजल वृषभानु महाराज को बता दिया ऐसे करके कि ऐसा हुआ था, ये लीला पता लग गई अल्टीमेटली। तो उन्होंने जो है क्या किया, कृष्ण के घर नंदगांव में जो है एक रिश्ता भेजने के लिए बहुत सारे जो है ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स आभूषण इत्यादि भेज दिए, रिश्ता हमारा स्वीकारी बोल के। तो नंद महाराज जो थे, वृषभानु महाराज जितने धनी नहीं थे, नंद इज अ पोस्ट, नंद महाराज का वास्तविक नाम क्या है, वसुदेव, लेकिन दैट्स अ पोस्ट। तो क्या हुआ, नंद मतलब 9 लाख गाय वाले और वृषभानु मतलब 12 लाख गाय वाले, ज्यादा रिच, जितना गाय उतना धन। तो कृष्ण को थोड़ा पता लग गया, वृषभानु महाराज आप जो है बता रहे हैं कि आप ज्यादा रिच है, हमको कुछ दिखाने। तो उन्होंने कहा, मैया मुझे थोड़ा जो है आप थोड़ा धन दो, थोड़ा क्यों क्यों धन मतलब थोड़ा पर्ल्स ज्वेलरी के, जो जो माताएं बताई ना कुछ ज्वेलरी, मेरे को नाम नहीं है पता, कुछ पर्ल डायमंड सोना चांदी ये सब दे दो थोड़ा थोड़ा, मतलब काना क्या करोगे तुम इसके साथ। अरे वो उन्होंने जो है ज्वेलरी रखी थी राधा रानी को भेंट देने के लिए, बोलो मुझे दे दो मैं इसके पेड़ उगाऊंगा। इसका पेड़ नहीं उगता बेटा, ऐसा नहीं होता, तुम अभी छोटे हो, नहीं नहीं मैं उगा सकता हूँ। तो कृष्ण ने क्या किया, सब कुछ ले लिया, उसको बो दिया, और बो होने के बाद क्या आ गया, उसके वृक्ष में ढेर सारे हीरे मोती चांदी सब कुछ आ गया। और फिर वो सब इकट्ठा करके फिर वृषभानु महाराज को भेजा, वृषभानु महाराज बन गए अमर। आपका गर्व नहीं था उनके, लेकिन फिर भी कृष्ण ने थोड़ा सा, देखिए हमारा गर्व कितना होता है किलोमीटर में होता है, लेकिन ऐसे महान भक्तों का गर्व कितना होता है पिकोमीटर, 10^-15 meters, छोटा बहुत छोटा छोटा भी रहता है ना, कृष्ण उसको पकड़ लेते हैं। गोपियों को गर्व हुआ इसलिए कृष्ण ने रासमंडल छोड़ा, हमारा गर्व कितना है किलोमीटर्स का गर्व है, गोपियों का कितना रहेगा, वेरी माइन्यूट, तो उतना भी भगवान टॉलरेट नहीं करते सूक्ष्म रूप से भी।
तो इसलिए ये लीला हुई। और वो नंदगांव में है, हम जाएंगे नहीं मोस्टली उधर, वो मोती कुंड नाम है। लास्ट के दो पॉइंट्स बचा है, बोलो कि प्रसाद देख के सबको बोल दो, जल्दी जल्दी बोलूंगा, आई विल मेक इट वेरी फास्ट। बरसाना और नंदगांव के बीच में जो है बहुत ही एक सुंदर जगह है, वहां पर राधा रानी और कृष्ण मिला करते हैं, उसका नाम क्या है, संकेत। संकेत क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां पे आके कृष्ण क्या करते हैं, संकेत देते हैं राधा रानी को, और राधा रानी भी आके संकेत देती है। कितने लोगों ने देखा है गोपी डॉट्स, हर एक चीज के पीछे लॉजिक है। परम पूज्य इंद्रद्युम्न महाराज बताते गोपी डॉट्स मतलब राधा रानी जितनी डॉट लगाई उतनी गोपियों के साथ आने वाली है, नंबर ऑफ डॉट्स उतनी नंबर ऑफ गोपी आने वाली है, कृष्णा बी रेडी। फिर राधा रानी एक फूल हमेशा हाथ में लेके रखती है, वो फूल क्या प्रतीक करता है, वो फूल प्रतीक करता है कौन से वन में मिलना है। अगर तुम्हें उन्होंने जो है खास करके जो है कमल का फूल वो भी पिंक कलर का चूज किया, तो वहां जो सरोवर में मिलता है उधर आके मिलना है, उसका इंडिकेट करते हैं। फिर इयररिंग्स जो है, राधा रानी जो इस प्रकार की इयररिंग्स पहनती है, उस इयररिंग्स से वो जो है टाइम पता लगता है। कभी कभी राधा रानी एक ही इयररिंग पहनती है, सुबह के टाइम मिलना है, दो इयररिंग मतलब रात के टाइम पे मिलना है। तो इस वक्त क्योंकि आपस में बॉयज गर्ल्स डोंट मिक्स फ्रीली इन दोज टाइम्स, तो इस तरीके से वो संकेत देती थी, कृष्णा देखते थे संकेत, उसके बाद वो लीला आगे वो करते थे। वैसे वो पहले ही बोला वेरी एजोट्रिक लीलास, हम बस थोड़ा संकेत दे सकते हैं, इट्स इंडिकेटेड। तो इन दोनों के बीच में संकेत है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट टॉपिक पक्का, कम्स क्यों नहीं आया वृंदावन में, इतने सारे असुरों को भेजा, फ्रेंड्स को भेजा अपने, एक एक करके यद गत्वा न निवर्तन्ते, जो भी जाता था वापिस नहीं आता था खुद क्यों नहीं आया मारने, कभी सोचा इस पे, बताते हैं। क्योंकि कंस जो है वो भी वास्तविक रूप में एक बार आया था वृंदावन, सोचा अरे मेरे फ्रेंड्स सब वेस्ट, कृष्णा का कुछ नहीं बिगाड़ सके, मैं खुद आके मारूंगा। तो यहाँ पे पास में एक जगह है जिसका नाम है बद्रिकाश्रम, तो वहां पे कंस आया था, और कंस आया और उसने जो है सीधा, उसको पहली कौन मिली, पूर्णमासी मिल गई, हरे कृष्ण, आती पूर्णमासी मिली, मुझे ये नंद भवन किधर है, बोला नंद भवन बताती हूँ, लेकिन आप कौन, आपकी पहचान, बोला मैं कम्स हूँ। अच्छा तू कम्स है क्या, पूर्णमासी ने उसके बाल पकड़े और उसको कुंड में डुबकी मार दिया। फिर कम्स बाहर निकला वो एकदम बुढ़ी सी गोपी बन गई। तो चलो गोपियों का विंग किधर है, गोपी मतलब अंडर बरसाना, जाओ इधर, तो उनको यहाँ भेज दिया। तो गोपियों को बोला चलो इसको सेवा में लगाओ, कम्स को कुछ आइडिया नहीं क्या हो गया उसके साथ, उसका बल था पुरुष्य था सब चला गया, इधर आ गया। तो बोला गोपी ये वेस्ट है, किसी काम की नहीं, नहीं नहीं इसको सेवा में लगाना है, अरे कुछ नहीं कर पाएगी ये, नहीं इससे जो है गोबर के उपले बनाओ उपला गोबर, चलो स्टार्ट। तो गोपी लिए और ऐसा कुछ तो कर रही थी उसको, नहीं अरे मेरे को नहीं आता, तो उसको मार रहे थे, यार इतना भी नहीं आता तुमको, कैसे तुम वृंदावन में रह सकती हो, सीखो ठीक से। फिर ट्रेनिंग दिया उसको उपले कैसे बनाने हैं, तो गोपियां ट्रेनिंग दे रही थी उपले कैसे बनाते हैं गोबर के, तो ट्राई कर रहा था लेकिन कम्स को वो आ ही नहीं रहा था वो स्किल, उसको बार बार मार रहे थे, बट इतना भी नहीं आता क्या, कम्स रोक करके जो है पूर्णमासी के पास गए, बोला मेरे को माफ कर दो, मैं आईंदा कभी भी नहीं आऊंगा इधर, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो पूर्णमासी, पक्का प्रॉमिस, आई प्रॉमिस नहीं आऊंगा बोला। तो फिर उसको जो है ले करके फिर से उस कुंड में डुबाया, और कमसिनी गोपी कौन बन गए, कम्स बन गया। तो कम्स भी आके गोपी बन गए थे, यस। तो ये बहुत बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं जो है यहाँ पे हुई है। तो हम यहाँ पे जो है प्रार्थना का भाव होना चाहिए हमेशा, क्योंकि एक एक जितना हम हरे कृष्ण महामंत्र इसका जब अधिक से अधिक करेंगे, कीर्तन में भाग लेंगे, पग पग पर जो है श्रीमती राधा रानी कृपा करेंगे। इसलिए कृष्ण के पहले कौन आता है, हरे, तो हरे कौन है, हरे राधा रानी है। तो इधर हम लोग जो है ये बहुत बहुत उच्च कोटि की लीलाएं हुई हैं, इन लीलाओं में बात करना, प्रवेश करना, सुनने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन श्रील प्रभुपाद और आचार्यगण ने हमें परंपरा ने एक चीज़ दी, वो क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र। ये बारंबार इसका उच्चारण करते हुए जितने भी कल्प वृक्ष है उनसे कृष्ण प्रेम मांगते हुए, राधा रानी की कृपा याचना करते हुए जो है हमें चैंटिंग करते करते रहना है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कीप चैंटिंग, माला पकड़ के रखना है, बस दैट इज द होल थिंग, वरना हमारा कोई योग्यता नहीं है। प्रार्थना करें कि कितने मिलियन करोड़ों करोड़ों साल बाद हम लोग थोड़े योग्य बने, बने तो सही, ठीक है। तो ऐसी प्रार्थना करते हुए नम्र रूप से हम लोग आगे प्रस्थान करें। प्रभु जी वुड लाइक टू ऐड समथिंग, एनीथिंग विच आई मिस्ड, थैंक यू। बिहाइंड देयर इज रास मंडल, तो वहां हम लोग प्रसाद ले सकते हैं, ठीक है। पीछे जो है एक रास मंडल है,
तो रासमंडल में बैठ के हम लोग जो है बंदरों का टेंशन नहीं उधर, तो उधर गेट वगैरह लॉक है तो बंदरों का कोई चिंतन नहीं, प्रसाद ठीक है बाबा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, श्री राधा दान बिहारी लाल की, श्री राधा मान बिहारी जी की, श्री राधा कुशल बिहारी जी की, मोर मयूरी जी की। एक और लास्ट लास्ट, जब राधानी मोर बोल रही थी ना, मोर, मोर का एक मतलब है मोर, दूसरा अर्थ है मोर का मेरा, मेरा कृष्ण बेस्ट है, वो बार बार वही बोल रही थी एक्चुअली, कृष्ण नहीं समझ पाए मोरा कौन ज्यादा अच्छा है, मोरा मेरा जो कृष्ण है वो ज्यादा अच्छा है। हरे कृष्णा।